हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि MPNHM के थ्रू जो ANM की वैकेंसीज निकली थी उसकी जो स्कोर कार्ड है वो आ गया है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको कैसे देखना वही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है MP ऑनलाइन जो साइट है ऑफिशियल, उस पर जाना है। और उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा कॉलम देखने को मिलेगा सेवाएं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, तो इसके नीचे आपको देखेगा गेट स्कोर कार्ड। तो इसके सामने आप 6 दिसंबर तक रिजल्ट देख सकते हैं अपना, और रिजल्ट को आप PDF फॉर्म में सेव कर लीजिएगा और उसकी प्रिंट भी निकलवा लीजिएगा। तो जैसे ही आप स्कोर कार्ड पे क्लिक करते हैं गेट स्कोर कार्ड, तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाता है जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक वेरीफिकेशन कोड डालना है। डालने के बाद आपको गेट स्कोर कार्ड पर क्लिक करना है और आपका जो मार्क्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसकी मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट इसकी कब तक आएगी, तो आपको बता दूं कि जो स्टाफ नर्स की मेरिट लिस्ट थी वो आपकी 10 से 15 दिन में आ गई थी। तो इसकी भी उतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, आपका 1 वीक के अंदर इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको रैंक अपनी पता लग जाएगी आपकी रैंक क्या है। तो आपको जितने भी नंबर मिल आए हैं, आपके मार्क्स जितने भी आए हैं, उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई जा सके। तो आज की वीडियो पसंद नहीं, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।